हेलो एवरीवन, आज हमने बनाया है तवा पिज्जा उन टिकटॉकियों के लिए जिन पे ट्रेंडिंग रहने का इतना प्रेशर है कि वो सूखते जा रहे हैं। दोस्तों, हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट होता है, लेकिन टिकटॉक ने इनको विश्वास दिलाया कि तुम सबके अंदर सेम ही टैलेंट है। बचपन में टीचर का दिया हुआ होमवर्क किया हो या ना किया हो, पर टिकटॉक का दिया हुआ होमवर्क ये फटाफट करते हैं। सो दोस्तों, बातें तो चलती रहेंगी। सबसे पहले हम पिज्जा के लिए डो बना लेंगे और फर्मेंटेशन के लिए यूज करेंगे बेकिंग पाउडर और ईस्ट का, और जितना फ्लावर लेंगे उससे आधा पानी। दोस्तों, कुछ लोग पढ़ लिख कर डॉक्टर बनते हैं, लेकिन ये बंक मारकर टिकटॉकर बन गए। कम से कम पूरे अनपढ़ रहते तो नेता तो बन जाते। अब हम आटे को गूंद के एक सॉफ्ट मॉइस्ट डो लगाएंगे, उसके बाद उसे ब्रश करेंगे ऑलिव ऑयल से और फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दें करीब 2 घंटे के लिए। ऑन अ सीरियस नोट, स्मार्टफोन इज मेकिंग पीपल स्टूपिड। गोरे आइलैंड बॉय कर रहे हैं तो देसी कच्चा बादाम। यही बचपन में माँ के भिगोए पक्के बादाम खाए होते तो ये दुर्दशा ना होती। माँ भी ये सोच के रोती है कि पतंदर नु ये तो पता है भी चन्न दी कुड़ी बदलां दी भैण है, पर इसे ये कौन नहीं पता कि वो अपने मामे का भांजा लाग रहा है के भतीजा। नाउ एज यू कैन सी, हम अपने पिज्जा के लिए इजी सी मैरिनारा सॉस बनाएंगे। ऐसा क्यों है कि सबको वही करना है जो सब कर रहे हैं? अगर 40 के ऊपर बिजनेस करना है तो रेस्टोरेंट खोल लो, और अगर यूथ ही है तो ब्लॉगर बन जाओ, क्योंकि जिनका पैशन है वो तो डिप्रेशन में जा रहे हैं बिकॉज ऑफ फॉल्स कॉम्पिटिशन। पर जिंदगी इसी का नाम है। आज का फूड ब्लॉगर अमूल बटर को देख के इतना एक्साइटेड हो जाता है कि इनकी शादी पर सुहागरात की स्टेज पर रोज पेटल्स की जगह 100-100 ग्राम की अमूल की टिक्कियां बिछाई जाती हैं। फिर आने लगती है कमरे से ओ माय गॉड की आवाजें। इंटरनेट पर भी कला की कम और क्रिंज की ज्यादा वैल्यू। इसका पहला सबूत है मिस ढिंचैक। लगता है साउथ मूवीज के गानों की हिंदी डबिंग मिस ढिंचैक ही करती हैं। अगर विश्वास नहीं तो अंटमामा चुस्ता रू का हिंदी वर्जन सुन लीजिए। जहां कुछ बच्चे परिवार का नाम रोशन करने के लिए ओलंपिक्स में जाते हैं, और वहीं जलूस निकलवाना हो तो बिग लॉस उन्हें खुद आमंत्रित करता है। अब सीरियस बातों को छोड़कर हम आटे के बड़े साइज के पेड़े काट लेंगे और उन्हें रोल करने से पहले 5 मिनट का रेस्ट भी देंगे। पहले वायरल होने पे शारीरिक बुखार होता था, और आजकल जिनको मानसिक बुखार है वो वायरल हो रहे हैं। कंटेंट में दम हो ना हो, लेकिन ट्रेंडिंग होना चाहिए। और अगर किसी दिन जंगल पानी जाने का वीडियो वायरल हो गया तो सारा लोटा लेके झाड़ियों में दौड़ने लगेगा। फिर कोई कोबरी तो इनकी डिग्गी पे काटेगी और इनकी बुलेरो नीली पड़ जाएगी। अब हम डो बॉल्स की रोटियां बेल लेंगे और इसे मीडियम आंच पे सेक लेंगे। और टिकटॉक की वजह से गानों की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि सिंगर सेम गाना इंग्लिश और हिंदी दोनों में बना रहे हैं। कभी नाच मेरी रानी तो कभी डांस मेरी रानी। कॉम्पोजिशन सुन के मालूम पड़ता है कि सिंगर के सिर्फ आइल्स में 5 बैंड ही आए थे। गबरू भले ही कनाडा में ट्रक ना चला सका, पर आज ट्रकों में चलने वाला गीत जरूर बन गया। और नौरा फतेही के स्टेप्स कॉपी करने वाला यूथ कहीं हरनिया ना करवा बैठे। लौंडे लेगिंग पहन के शादियों में नागिन डांस और टिकटॉक पे मेंढक डांस कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इन डड्डुओं के लड्डुओं में पानी भर जाएगा। अब यूथियों की सेहत के लिए डालेंगे हम ढेर सारी सब्जियां इस पिज्जा के ऊपर, फिर इसे स्लो आंच पे ढक के पकाएंगे इसी की स्टीम के अंदर। सरकारी मीडिया भी यूथ को किसी न किसी तरीके से बिजी रखती है। कुछ नशे और नफरत से प्री ऑक्यूपाइड है, बाकी विक्की और कैटरीना की शादी से सदमे में है। इन्हें तो बस चले तो पानी मार देन। इनको तो ये भी जानना है कौन से सेलिब्रिटी ने लिफाफे में कितना शगन डाला। और जहाँ कुछ कलाकार इंटरनेट पे आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कुछ हाइना बुलीज ने रोस्टिंग के लिए अकाउंट बना रखे हैं, क्योंकि स्टेज पे चढ़ना मुश्किल और नीचे बैठ के कमियां निकालना बहुत ही आसान। सो बी एन एडमायरर, नॉट अ ब्लाइंड फॉलोअर, एंड थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग सुखी प्यार दी पुखी।